अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा, आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन के तमाम अदाराजात, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग के जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, हम उनको कंबाइनली PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो इन्हीं के अंदर मजीद जो हमारे मशहूर अदारे मैंने चंद एक लिख दी है, ज़रा इनको देख लें, फिर हम आगे इसको चार्ट को देखते हैं। PWD अभी मैंने बताया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तमीराते महकमा तमीराते आम, MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, ये हमारा आर्मी के जितने कंस्ट्रक्शन के काम हैं, एयरफोर्स बहरिया फिजाई और इसके अलावा हमारे जमीनी फोर्सेस के सबके MES तरीके का और वर्किंग का मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको भी यहाँ बता रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे, ये भी पब्लिक वर्क्स का काम है, हमारे सिविल के काम है, ट्रैक्स को बिछाना और सारे के सारे सिग्नल लगाना, बेशुमार इसमें सिविल के मोस्टली काम है, वो के इंजन वगैरह मैकेनिकल में आता है लेकिन हमारे सिविल के काम ज्यादा है। वाटर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर बिजली का जो शोबा है हमारा, इसमें भी डैम बनाने और बेशुमार इसके जितने वर्क्स हैं सिविल के काम है। NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मसलन मोटरवेज सारे NHA के अंडर हैं और हमारे मेन जीडी रोड और इस तरह के बड़े रोड जो पूरे कंट्रीज वाइज चलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनको मैनेज करती है। NLC नेशनल लॉजिस्टिक सेल, ये भी हमारा आर्मी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप है, कंस्ट्रक्शन के काम भी कर रहा है अपने काम के साथ। FWO फ्रंटियर वॉर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा आर्मी का काम है, इसका एक डिपार्टमेंट है। CWO सिविल वॉर्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक जो अदारे हैं, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन मोस्टली CWO ये स्पेंडल करते हैं। NESPA डिजाइन कंसल्टेंसी सुपरवीन का, हमारा पाकिस्तान का सबसे मेन अदारा वो नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान NESPA कहलाता है। इसके अलावा बेशुमार हमारे पाकिस्तान के महकमा जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन के मुतल का, वो आप जो तलबा अपने तौर पे बुक्स में देखिएगा या उससे रहते देखिएगा, सारे का सारे अदारे जो कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं वो हम PWD के अदारे कह सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इनका चार्ट कैसे, इन तमाम अदारों का चार्ट हम जनरल एक चार्ट बना रहे हैं और जब आपसे पूछा जाए इसका चार्ट कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, तो आप इसी तरतीब से बना रहे हैं, तकरीबन मिलती जुलती तरतीब शुरू से ये चल रहे हैं उधर जा, और वक्त के साथ साथ कभी कभी इसको डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर ये नाम बदल देते हैं लेकिन जो ओरिजिनल नेम है वो यही है। अच्छा, आप मिसाल लेते हैं महकमा शाहरा पंजाब, यानी सड़कें हमारे पंजाब की जो हाईवे अथॉरिटी है, जैसे NHA सेंट्रल गवर्नमेंट यानी वजीर आजम पाकिस्तान इसके अंदर, और ये वजीर आजम हर सूबे का वजीर आजम इसका अंडर करता है, हर सूबे में चीफ इंजीनियर है, बल्कि आप तो पंजाब में सेंट्रल नॉर्थ और साउथ भी किए हुए, तो सबके सबसे बड़ा होता चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी होता है, वजीर के बाद सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद चीफ इंजीनियर। तो हम इंजीनियरिंग टेक्निकल शोबे की बात यहाँ से शुरू करते हैं, तो चीफ इंजीनियर पंजाब शाहराह महकमा हाईवे डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। तो इस चीफ इंजीनियर के नीचे SC सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, इसके दायरे कार को सर्कल, अब जैसे हमारे इंतजामी अखबार से सर्कल है, मसलन इसके अंदर रावलपिंडी का सर्कल, फिर लाहौर का सर्कल, फिर इसी तरह साउथ के इलाके का मुल्तान वगैरह या बहावलपुर इनका सर्कल अलग से SC वहां पे बैठते हैं। अब बेशुमार SC
चीफ क्लीनर्स के नीचे SC1, SC2, SC3 या तो स्पेशल वर्क उसका भी SC। अब एक SC को हम बोलते हैं, मसलन फैसलाबाद के SC को हम लेते हैं, तो फैसलाबाद के SC के अंदर बेशुमार डिवीजन है, तो हर डिवीजन का इंचार्ज एक्सियन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, शॉर्ट नेम एक्सियन, तो हर डिवीजन का इंचार्ज एक्सियन। अब देखिए फैसलाबाद के अंदर खुद फैसलाबाद जिला बहुत बड़ा जिला है, जिला छंद और दिगर टोबा और बहुत सारे जिले। अब इनमें से हम सिर्फ एक का चार्ट बना रहे हैं, बाकी को नहीं बना रहे, बाकी को इस तरह बनेंगे। अब एक्सियन छंद के अंदर सब डिवीजन, इसकी डिवीजन थी, अब सब डिवीजन, सब डिवीजन का हेड SDO, सब डिविजनल ऑफिसर SDO इसका इंचार्ज होता है सब डिवीजन का। तो एक्सियन छंद के अंदर SDO झंग, SD शोकोट, SDO अहमदपुर सियाल, जितनी तहसीलें हैं उसी तबादले। अब हम सिर्फ शोकोट तहसील के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, SDO के अंडर सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन का इंचार्ज सब इंजीनियर, ये प्रोजेक्ट्स के एतबार से बनाए जाते हैं। कभी कभार दो सब इंजीनियर, कभी तीन, कभी पांच, कभी ज्यादा, तबादले भी होते रहते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में तबादले हो जाते हैं, तो प्रोजेक्ट के जितना लोड होता है उसी बात से सब इंजीनियर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इसी तरह आपको समझ आई होगी। मैं दोबारा एक नजर दोबारा बात करता हूँ, चीफ इंजीनियर और उसके नीचे बेशुमार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये भी आज सर्कल के अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर SDO सब डिविजनल ऑफिसर, इसके बाद सात SDO के साथ दो या तीन या पांच सब इंजीनियर। तो ये हमारे महकमेजात की तरतीब है। अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो आपको समझ आ गया, अब हम थोड़ी सी इनकी जिम्मेदारियां, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनके काम, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब चीफ इंजीनियर अपने सूबे का हेड होता है, अपने सूबे में होने वाले तमाम तरक्याती कामों का हेड है, तमाम तरक्याती कामों के टेंडर ओके करता है, टेक्निकल सेंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, ये सारे के सारे काम ये खुद करता है, इसके इख्तियार सबसे ज्यादा है, और जितने मेंटेनेंस के काम हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल करता है। अब हम चलते हैं SC, जब SC की बारी आएगी अजीत तलवा, तो आप यही बातें दोबारा दोहरा लें कि SC अपने सर्कल में होने वाले तमाम सिविल इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन काम इनका हेड होता है, और इसकी भी एक अथॉरिटी है कितनी कॉस्ट के ये टेंडर अप्रूव कर सकता है, टेक्निकल सेंक्शन किस कॉस्ट के दे सकता है, हर एक कॉस्ट मुतय्यन है, मसलन 1 करोड़ के प्रोजेक्ट चला सकता है, तो ये वेरी करती रहती है इसकी अथॉरिटी कितनी है, कितनी कॉस्ट के प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल दे सकता है, ये वेरी करती है। तो हमने इस मिसाल के तौर पर कहते हैं 1 करोड़ के प्रोजेक्ट चला सकता है, ये अनलिमिटेड, इसके लिए कोई नहीं, जितना मर्जी ये टेंडर ओके कर दे, जितनी मर्जी टेक्निकल सेक्शन, जितनी मर्जी कॉस्ट हो उसको ओके कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब आप एक्सियन की भी यही बात करें, एक्सियन अपनी डिवीजन का इंचार्ज, अपनी डिवीजन के अंदर होने वाले तमाम कामों का जिम्मेदार है, तमाम स्टाफ को देखता है, स्टाफ की तनख्वाहों को देखता है, उनकी जितनी रिक्रूटमेंट करनी होती है उसकी भी ये निगरानी करता है, मेंटेनेंस के काम भी यही चलाता है, प्रोजेक्ट को सब खुद जाके भी देखता है, अपने सब जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनसे भी काम देता है। अब SDO की बात आए, SDO की भी यही बात दोहराएंगे आप, बस यही चाहिए आप पैटर्न पे आप चलेंगे। SDO क्या करता है, अपनी सब डिवीजन में होने वाले तमाम सिविल इंजीनियर के कामों का हेड है, और वो तमाम कामों का निगरानी करता है, और काम मैंने पहले बता दी, मेंटेनेंस के काम, नए प्रोजेक्ट्स के काम, और इसके अलावा स्टाफ को देखना, स्टोर को देखना, मटेरियल्स को देखना, ये सारे काम, और सब इंजीनियर वैसे सब इंजीनियर के काम तो सारे ही आप कह सकते हैं, ड्राइंगें बनाना, ड्राफ्टिंग करना, स्पेसिफिकेशन तैयार करना, प्रोजेक्ट की सुपरविजन करना, स्टोर की निगरानी करना, और मटेरियल इश्यू करना, मेंटेनेंस। अब एक सब इंजीनियर कहाँ कहाँ तक जाए, आप हैरान हो रहे कि सब इंजीनियर कितनी ड्यूटी, वो भाई जिस जगह जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी वही करेगा ना, लेकिन हमें पता होगा ये सारे काम कौन कौन से इसको करने चाहिए, तो सब इंजीनियर जिस पे आप ये करने के बाद आप लगेंगे। अच्छा एक नजर मैं इस अंदाज से बता दूं, स्केल वाइज सब इंजीनियर का फिलहाल स्केल BPS 11, इसका 17, इनका 18, 19, और इसी तरह ये स्केल होते हैं, तो इसी तबार से ये अपनी जॉब करते हैं। तदी तलबा आप इजाजत दीजिए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।